हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कंपटीशंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे गेट नेट बाग जस्ट फॉर के स्टूडेंट्स हों, चाहे कि जेम के हों, चाहे PCSIS की प्रिपरेशन करने वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आता है EQM से। इसे शॉर्ट में हम EQM कहते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका जो एप्लीकेशन पोर्शन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम इसकी हेल्प से बेसिकली क्या चीज़ें पता कर सकते हैं न्यूक्लियस की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि EQM होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती है वो डिपार्चर फ्रॉम द स्पेरिकल सिमेट्री। कोई न्यूक्लियस जो होता है वो स्पेरिकल सिमेट्रिक से जितना डिपार्चर करता है उसकी जो शेप है स्पेरिकल सिमेट्री से जितनी ज़्यादा डेविएट करती है उतना ही EQM जो है इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। और बेसिकली जो स्पेरिकल परफेक्ट स्पेरिकल शेप होती है किसी न्यूक्लियस की तो उसका जो EQM इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट वो जीरो होता है। और स्पेरिकल सिमेट्री में जैसे मैं एक छोटे से डायग्राम से समझाना चाहूँ तो ये हमारा अगर परफेक्ट स्पेरिकल शेप है तो इसका परफेक्ट स्पेरिकल शेप में EQM जीरो होगा। और अगर कोई दो न्यूक्लियस हैं, एक इस तरीका की शेप है और एक इस तरीका की शेप है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्पेरिकल शेप से जो है डिपार्चर हुआ है, इस तरीका से शेप बनी है स्पेरॉइड और उसके बाद इसकी शेप और डिस्टॉर हुई है। तो यहाँ पे जो EQM है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो शेप का डिस्टॉर्शन स्पेरिकल सिमेट्री से जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है EQM जो न्यूक्लियस का उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही है कि EQM होता क्या है। तो डिपार्चर फ्रॉम द स्पेरिकल सिमेट्री जो है वो डेफिनेशन होती है इसकी। जो न्यूक्लियस है उसका EQM किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है और EQM की यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट को जो हम मेजर करते हैं वो एरिया की यूनिट के इक्वल होता है। और एरिया हम सब जानते हैं मीटर स्क्वायर में मेजर होता है और जो बार्न में इसे मेजर करते हैं बेसिकली, और 1 बार्न जो होता है वो 10^-28 मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस की सिमेट्री का डिपार्चर है वो बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा डिपार्चर नहीं होता। लेकिन जब ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट है अगर वो आता है तो डिपार्चर ज़्यादा कहा जाता है सिमेट्री से, स्पेरिकल सिमेट्री से, और अगर कम आता है तो डिपार्चर स्पेरिकल सिमेट्री से वो हमारा कम होता है। और अगर स्पेरिकल सिमेट्री से कोई डिपार्चर नहीं है तो EQM जीरो होता है। दूसरी चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि EQM निर्भर किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो जो EQM है वो निर्भर करता है न्यूक्लियर स्पिन पे, जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो स्पिन है वो क्या है। स्पिन में कैलकुलेट करने के लिए हम सेल मॉडल यूज करते हैं और जो न्यूक्लियस जिनका न्यूक्लियर स्पिन 0.5 होती है उनका इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट की जो वैल्यू है वो सदा 0 होती है। और मिनिमम वैल्यू जहाँ से क्वाड्रोपोल मूवमेंट आना शुरू होता है वो 1 है। तो न्यूक्लियर स्पिन जब 1 या 1 से ज़्यादा होती है तभी क्यू है वो फाइनाइट आता है। तो मैं यहाँ आई के लिए कहूँगा कि अगर आई की वैल्यू न्यूक्लियर स्पिन 0.5 है तो क्यू इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट जो क्यू से हम शो करते हैं वो 0 होता है। और आई की वैल्यू जब 1 हो जाती है या 1 से ज़्यादा हो जाती है तो EQM की वैल्यू जो है वो फाइनाइट आती है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इसमें मेंशन किए हैं, डायग्राम से इसे एक्सप्लेन किया है। तो डिपार्चर फ्रॉम स्पेरिकल सिमेट्री जो मैं अभी डिस्कस ही कर रहा था, उसके अलावा जो मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन है EQM का वो है Q=1/E और ये 3Z²-R² ρdV। रो जो यहाँ पर कहलाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, dV वॉल्यूम एलिमेंट, और Z 3Z² जो है वो जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, 3×Z² की वैल्यू। XYZ कोऑर्डिनेट जो है न्यूक्लियस के लिए लिए गए हैं और R² की वैल्यू जो होती है वो X²+Y²+Z² है। साथ साथ ये ध्यान रखें कि अगर 3Z² की वैल्यू R² के इक्वल होगी तो क्यू यहाँ से सिंपली 0 आ जाएगा। R² जो होगा वो हम जानते हैं XYZ कोऑर्डिनेट में जो R है उसे हम लिख पाते हैं R=√X²+Y²+Z² या R² को लिख पाते हैं X²+Y²+Z². अगर हमारा स्पेरिकल सिमेट्रिक न्यूक्लियस है, शेप जो है परफेक्टली स्पेरिकल सिमेट्रिक है, तो X², Y² और Z² तीनों जो वैल्यूज हैं वो सेम रहती हैं। और जिससे X², Y², Z² जब हम यहाँ पे सेम ले लेंगे तो, और R² को X²+Y²+Z² कहेंगे तो 3Z²-3Z² बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू 0 होगी
तब ये स्पेरिकल सिमेट्रिक बनेगा। अगर 3z² r स्क्वायर से बड़ा है तो शेप प्रोलेट होती है, मैंने यहाँ पे शेप बता रखी है। क्यू जीरो है तो स्पेरिकल सिमेट्रिक होगा, क्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगा मीन्स पॉजिटिव होगा तो प्रोलेट शेप होती है, ये प्रोलेट शेप कहलाती है। और अगर इस तरीका की शेप होती है उसे हम ऑब्लिक शेप कहते हैं। तो क्यू नेगेटिव है तो ऑब्लिक शेप, और क्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोलेट शेप है, और क्यू अगर जीरो है तो वो हमारा स्पेरिकल सिमेट्रिक केस है। तो ये 3 diagrams हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर 3z ये आर स्क्वायर अगर बड़ा है, 3z² की वैल्यू जो है अगर कम रह जाती है और आर स्क्वायर की ज़्यादा होती है तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाती है क्योंकि, और तब ये शेप जो है हमारी ऑब्लिक बनती है। तो ये सदा हमें ध्यान रखना है। तो 3 तरीका की इसमें डायग्राम्स बनते हैं, क्यू जीरो का, क्यू पॉजिटिव का और क्यू नेगेटिव का। और क्यू जीरो स्फेरिकल सिमेट्रिक का, क्यू पॉजिटिव प्रोलेट शेप का, और क्यू नेगेटिव जो है वो ऑब्लिक शेप का। मैं अभी डिस्कस ही कर रहा था कि जो अब न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 0.5 होती है तो क्यू जो क्वाड्रापोल मोमेंट है वो 0 होता है। तो ये मैथमेटिक्स इसका देख सकते हैं, क्यू की वैल्यू 1/2 2i-1/i+1 क्यू डैश, और क्यू डैश जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं, और जो वैल्यू है उसकी वो होती है 3z² - r² इंटीग्रल में रो डी वी, इस क्यू डैश की वैल्यू। ये मैथमेटिक्स है तो इसका डेरिवेशन इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सीधा आप डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब हम आई की वैल्यू को हाफ ले लेंगे तो ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, यहाँ आई न्यूक्लियर स्पिन है। तो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू जब हाफ होगी तब ये क्वाड्रापोल मोमेंट है वो हमारा 0 हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आई की वैल्यू 0 होती है तो ये हमारी टर्म्स है 3z² - r², ये जो है 0 हो जाती है, और क्यू की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। तो मैथमेटिक्स से हम कह सकते हैं कि जब आई न्यूक्लियर स्पिन हाफ रहता है और न्यूक्लियर स्पिन हाफ की वजह से, इस फैक्टर की वजह से क्यू 0 हो जाएगा, क्वाड्रापोल मोमेंट, क्यू का मतलब क्वाड्रापोल मोमेंट से है। और जब आई की वैल्यू 0 होगी न्यूक्लियर स्पिन की तो न्यूक्लियर स्पिन जो होता है वो न्यूक्लियस की शेप को डिस्टोर करता है, और जब हमारा आई की वैल्यू 0 होगी तो जो न्यूक्लियस है वो स्पेरिकल सिमेट्रिक होगा, और स्पेरिकल सिमेट्रिक में 3z² r² इक्वल हो जाएंगे तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दोनों फैक्टरों को समझें, और आई जो है वो 0.5 के बाद फिर अगली वैल्यू न्यूक्लियर स्पिन, आई का मतलब न्यूक्लियर स्पिन से है, आई की वैल्यू जैसे ही 1 या 1 से ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू जो है सदा फाइनाइट आएगी, ये सदा फाइनाइट आएगी क्योंकि शेप जो है न्यूक्लियर स्पिन के कारण डिस्टोर होगी और उसके कारण जो है फाइनाइट क्वाड्रापोल मोमेंट आएगा। तो ये हमारा केस हो जाएगा कि मिनिमम जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू है वो 1 या 1 से ज़्यादा होने पर क्वाड्रापोल मोमेंट जो है वो फाइनाइट आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा क्यों मैंने अभी बताया था, बार्न में हम इसे मेजर करते हैं, और 1 बार्न जो है वो 10^-28 m² है। कंपटीशन की दुनिया में कई बार 1 बार्न की वैल्यू पूछ ली जाती है तो इसको सदा इंपॉर्टेंट में रखें। साथ साथ क्यू का जो एक्सप्रेशंस है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जो संख्या है उससे तय होता है, जो हमारा EQM इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट, और क्यू की वैल्यू 2/5z और ब्रैकेट में a² - b² होती है, जहाँ ये 2a वो पूरा हमारा ये सेमी डायमीटर कहलाएगा, इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका डायमीटर, और ये सेमी माइनर एक्सिस का जो है वो 2b कहलाएगा। तो ये जो q की वैल्यू 2/5z a² - b² में, जो a है वो सेमी मेजर एक्सिस, b सेमी माइनर एक्सिस कहलाती है। तो यहाँ पे q जो प्रोपोर्शनल हम देख रहे हैं वो z के है, अगर प्रोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो क्वाड्रापोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ती है। क्वेश्चंस कंपटीशंस में यही आते हैं कि q जो है वो z के बढ़ने से बढ़ेगा या घटेगा इस टाइप से, या ये पूछा जाता है कि अगर प्रोटॉन की संख्या कम होती है तो क्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इंटरव्यू में जनरली ये पूछा जाता है कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने पर क्वाड्रापोल मोमेंट क्यों बढ़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि जब प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होने से क्या होगा, उनके बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा, और प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन जब ज़्यादा होगा तो शेप जो है वो न्यूक्लियस की उस रिपल्सन के कारण जो शेप है वो स्पेरिकल सिमेट्रिक से डिपार्चर होने लगेगी। ये चीज़ हम न्यूक्लियर जब फिशन समझाते हैं, बोरविलर थ्योरी वहाँ भी समझाते हैं कि जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा कैप्चर हो जाता है तो जब वो कैप्चर होता है तो जो न्यूट्रॉन की अपनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी है और बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूक्लियनों को मिल जाती है, और न्यूक्लियन जो है उस काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करके उसके बाद में उनमें मोशन होने लगती है तेजी के साथ, और शेप जो है न्यूक्लियस की डिस्टोर होने लगती है। तो उसको हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन से न्यूक्लियस की जो स्पेरिकल सिमेट्री शेप है वो बिगड़ती है, जिससे क्वाड्रापोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती है जेड के बढ़ने पर। ए की वैल्यू यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर a = b हो जाता है
तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो होगी। ए बराबर बी जब होगा, जब हमारा सिमेट्रिकल शेप होगी, तो क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर ए हमारा बी से बड़ा होगा तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और बी अगर ए से बड़ा होगा तो क्यू की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ए जो है ए की वैल्यू आर, आर जो रेडियस है न्यूक्लियस की, वन प्लस और एप्साइलन, और बी की वैल्यू आर, वन माइनस एप्साइलन बाई टू होती है। एप्साइलन यहाँ पर डिस्टॉर्शन पैरामीटर होता है, क्योंकि जो डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन के कारण ही शेप डिपार्चर आता है न्यूक्लियस के अंदर, जो शेप उसकी शेप में चेंज आता है और वो प्रोलेट ऑबलेट बनती है, उसका कारण डिस्टॉर्शन है। तो डिस्टॉर्शन कांस्टेंट कहलाता है एप्साइलन, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एप्साइलन की वैल्यू को जीरो कर देते हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, बी भी आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और ये हमारा एप्साइलन वाली टर्म के कारण ये जीरो हो जाएगा, तो ए बराबर बी हो जाएगा, क्यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इस तरीका से इसे समझा सकते हैं। और क्यू की वैल्यू 6/5 जेड आर स्क्वायर एप्साइलन के इक्वल होती है, तो क्वाड्रोपोल मोमेंट जो है वो सीधा डिस्टॉर्शन कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल चलता है। न्यूक्लियस में अगर ज्यादा डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन जो फैक्टर्स है अगर वो ज्यादा है, तो क्वाड्रोपोल मोमेंट बढ़ जाता है, और डिस्टॉर्शन जो है वो तय करता है कि शेप जो है वो कितनी ज्यादा डिपार्चर करेगा स्पेरिकल सिमेट्री से, उसी से फिर क्यू तय होगा। अगर एप्साइलन को मैं जीरो कर देता हूं तो क्यू जीरो होगा, तो डिस्टॉर्शन रेस्पॉन्सिबल है क्वाड्रोपोल मोमेंट के कारण। और डिस्टॉर्शन के जो दो बहुत ही मेजर फैक्टर हैं, वो हमारे प्रोटॉन के रिपल्सन के कारण, कई बार जब न्यूक्लियस न्यूट्रॉन या बाहर से कोई चीज न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करती है, उसके कारण डिस्टॉर्शन होता है। कई बार न्यूक्लियर स्पिन जो है उसके कारण डिस्टर्बेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हमारे मेजर पैरामीटर्स हैं जिनसे डिस्टॉर्शन पैदा होता है। क्यू का एक क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन होता है हाफ और 2i-1/i+1 इंटीग्रल साई स्टार आर और ब्रैकेट में 3j²-r² ψ/dv। इसे हम यहाँ से ला सकते हैं कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन था उसमें रू की जगह पे साई स्टार साई ले लें, क्योंकि जो हमारा डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार साई से सो होती है। साई यहाँ पे वेव फंक्शन है और साई स्टार जो वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो रो का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, साई स्टार साई से हम उसे नोट करते हैं। तो ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन है क्वाड्रोपोल मोमेंट का इन टर्म्स ऑफ द वेव फंक्शन, तो इसको भी याद रखें। तीन चीज़ें जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन तीनों चीज़ों को आपको सदा याद रखना है। लार्जेस्ट क्वाड्रोपोल मोमेंट जो होता है पॉजिटिव में 7×10⁻²⁸ या हम इसे 7 बार्न लिख सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू 7 बार्न होती है इन द केस ऑफ LU 176, और इसका लार्जेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रोपोल मोमेंट होता है पॉजिटिव में। और क्यू की वैल्यू -3×10⁻²⁸ होती है Pa233 के लिए। ये इसमें एटॉमिक जो नंबर है वो है, मीन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जब वन का सम 176 होता है तो LU का फॉर्मेशन होता है, और 233 अगर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या है न्यूक्लियस के अंदर तो Pa का फॉर्मेशन होता है। Pa का जो होता है वो Q नेगेटिव में सबसे जो है नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, और LU 176 का पॉजिटिव में। तो ये क्वेश्चन सिंपली सीधे सीधे पूछे जाते हैं कई बार। न्यूट्रॉन का क्वाड्रोपोल मोमेंट जो पॉजिटिव होता है 2.73×10⁻³⁻ ms², ये न्यूट्रॉन का क्वाड्रोपोल मोमेंट है। तो क्वाड्रोपोल मोमेंट जो होता है न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन का, वो ये बताता है कि जो शेप है वो हमारी पूरी परफेक्ट स्पेरिकल सिमेट्रिक नहीं होती न्यूट्रॉन की, बल्कि उसमें डिपार्चर होता है, और शेप जो क्वाड्रोपोल मोमेंट है वो वैल्यू बहुत कम होती है। उसका कारण है कि उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कम होने से यहाँ पे जेड कम होगा तो क्यू की वैल्यू कम आती है। तो ये इसका सिंपली एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। जब हमारा ए बराबर 4n के न्यूक्लियस जो होते हैं उसको भी सदा याद रखें, जिन नाभिकों के अंदर अगर एन की वैल्यू को यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरीका से लेते हैं, तो ये सारे न्यूक्लियस ऐसे होते हैं ए बराबर 4, ए बराबर 8, ए बराबर 12। अगर इस तरीका से टोटल न्यूक्लियनों की संख्या है 4 के इंटीजर मल्टीपल में न्यूक्लियनों की संख्या है, तो वो क्या करते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन की अपोजिट स्पिन से उनका जो नेट स्पिन है वो जीरो हो जाता है, और इस तरीका के न्यूक्लियसों का क्वाड्रोपोल मोमेंट सदा जीरो होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये ऑलवेज याद रखें कि ए बराबर 4n के जो न्यूक्लियस हैं उनका क्वाड्रोपोल मोमेंट जीरो होता है, और उसके कारण है न्यूक्लियर स्पिन। साथ साथ ये ध्यान रखें कि स्टडी जो होती है क्वाड्रोपोल मोमेंट की, वो आइडिया प्रोवाइड करती है न्यूक्लियर की क्लोज सेल का, क्योंकि जो न्यूक्लियस की क्लोज सेल है, जब हम न्यूक्लियर सेल मॉडल लेंगे तो इस कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा कि न्यूक्लियर की क्लोज सेल जो है उसको कंसीडर करने के बाद जो क्लोज के अलावा जो न्यूक्लियन है जो आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं वो तय करते हैं न्यूक्लियर स्पिन न्यूक्लियस की क्या होगी, और न्यूक्लियर स्पिन फिर तय करती है क्वाड्रोपोल मोमेंट क्या होगा। तो विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रोपोल मोमेंट हम न्यूक्लियस के
न्यूक्लियर स्पिन को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें क्यू की वैल्यू पता है। और साथ साथ हम न्यूक्लियर जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन इससे करते हैं, क्योंकि डिफरेंट के जो न्यूक्लियर मॉडल हैं वो न्यूक्लियर स्पिन प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम क्यू मेजर कर लें क्वाड्रपोल मोमेंट, तो हम पता कर पाएंगे कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट हमारे कितने मैच करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, साथ साथ ये याद रखें कि जो न्यूक्लियर फोर्स का आइडिया है वो भी यहाँ से पता चलता है, और ये पता चलता है कि अगर न्यूक्लियर फोर्स की शेप, अगर न्यूक्लियर फोर्स टोटली रेडियल होते, मीन्स अगर उनमें एंगुलर डिपेंडेंसी ना होती, तो क्वाड्रपोल मोमेंट जो आता वो न्यूक्लियस का वो जीरो आता, लेकिन एंगुलर डिपेंडेंसी के कारण भी क्यू की वैल्यू फाइनाइट आती है। तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपको बेसिक फंडामेंटल्स हैं इस टॉपिक के वो क्लियर हुए होंगे। इसमें मैंने रेफरेंस जो यूज़ किया है वो डीसी तायल साहब की जो बुक है उसी के रेफरेंस मैंने इसमें लिया है। तो याद रखें कि तायल साहब की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी बुक इसे मैं कहूँगा, जो आपको काफ़ी कम्पटिशंस में लाभ देगी, और जो आपको एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और बाकी कम्पिटिटिव की प्रिपरेशंस वाले उनको निश्चित तौर से ये बुक लाभ देगी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।